हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग विजन आईएएस के जो डेली करंट अफेयर्स हैं 26th और 27th अप्रैल के डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए विजन वाले जो हैं वो संडे को रिलीज़ नहीं करते हैं न्यूज़, संडे और मंडे के दोनों मिला के मंडे को देते हैं। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, पहली न्यूज़ है हमारी कि राज्यसभा का जो सेक्रेटेरिएट है उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है उसकी फंक्शनिंग के ऊपर, जो कि 1978 से 2018 के बारे में इन्होंने रिपोर्ट की है। अब जब हम राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए राज्यसभा की सेक्रेटेरिएट कहाँ है, क्या काम करते हैं, कौन लोग होते हैं, एवरीथिंग। थोड़ा सा मैं आप लोगों को राज्यसभा के बारे में बता देता हूँ, जो कि हम लोग हर बार करते हैं डिस्कशन में। पहले तो ये जानो कि पार्लियामेंट जो होता है ना, पार्लियामेंट को हम शॉर्ट कर लेते हैं पीएमटी। पार्लियामेंट आता है आर्टिकल नंबर 79 से और 122 तक, ये पार्लियामेंट के आर्टिकल्स होते हैं और ये पार्ट 5 में आता है, राइट। पार्लियामेंट में बाइकैमरल है हमारा, हम लोगों ने यूके से लिया है बाइकैमरल स्ट्रक्चर। और राज्यसभा के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, जो प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस मैंने बहुत पहले के देखे थे, ये लोग ना नेम चेंज करके क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे इसके कई नाम हैं, अपर हाउस तो आप लोगों ने जन सबसे कॉमन सुना होगा, लेकिन इसको हम लोग सेकेंड चैम्बर भी बोलते हैं, सेकेंड चैम्बर भी बोलते हैं, और इसको हाउस ऑफ एल्डर भी बोला जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स। और हम सिंस ही हमने जो कॉन्सेप्ट है ये यूके से लिया है, तो यूके का जो अपर हाउस है उसको वो लोग बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स ये मेंस के अंदर ना एक क्वेश्चन पहले आ चुका है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिविल सर्विसेज ऑफ योर ब्यूरोक्रेसी, जो इंडिया और अमेरिका की कंपैरिजन पे क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया के पार्लियामेंट में और यूके के पार्लियामेंट में क्या डिफरेंसेज और क्या कॉमन थिंग्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राज्यसभा के अंदर जो सीट्स वगैरह होती हैं कितनी है, वो 250 सीट्स होती हैं, आपको पता होना चाहिए, जिसमें से 238 जो होती हैं टोटल में से, और 238 जो होती है हमारे स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज़ की होती हैं, 12 जो होते हैं वो नॉमिनीज़ होते हैं। नॉमिनीज़ के लिए मैंने एक शॉर्टकट बताया हुआ है आपको, नॉमिनीज़ कैसे याद करने हैं, आप वर्ड लिखते हो क्लास CLASS, अब इसमें से सी को कैंसिल कर दो, एल का मतलब लिटरेचर, ए का मतलब आर्ट, एस का मतलब साइंस और एस का मतलब सोशल सर्विस। ये अपनी मर्जी से इसको चेंज भी कर सकते हो, एस का मतलब सोशल सर्विस और फिर बच गया साइंस। तो क्लास से आप इसको याद रख सकते हो, 12 जो लोग होते हैं इन फील्ड से आते हैं। पहली बार जो राज्यसभा का जो हाउस बना था वो 1952 में बना था, एक्चुअल में 1952 से हम लोगों ने इसकी सिटिंग स्टार्ट की थी, और ये परमानेंट हाउस है ये तो आपको पता होगा ही। और इसके अंदर 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, 1/3 जो मेंबर्स होते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप लोगों ने अगर मेंस का सिलेबस पढ़ा होगा उसमें एक बहुत जो ये फर्स्ट वाला जो टॉपिक है उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो उस एक्ट के थ्रू, जो 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उस एक्ट के थ्रू उस एक्ट में डिफाइन किया गया कि राज्यसभा का जो टर्म होगा वो 6 ईयर्स का होता है वैसे तो, यानी कि राज्यसभा का नहीं, जो राज्यसभा के जो MPs होते हैं उनका जो टर्म होता है वो 6 ईयर्स का होता है। अब इसके जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी होते हैं, जो करंटली श्री वेंकैया नायडू जी हैं, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्स ऑफिशियो वर्ड क्यों यूज़ किया गया, ये वैसे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जो मेरी लक्ष्मीकांत की नई सीरीज़ है 6th एडिशन, जो लेटेस्ट लक्ष्मीकांत है वो स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी, उसमें 3000+ MCQ डिस्कशंस होंगे जो ओरिजिनल बुक्स के होंगे सारे के सारे, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इसको एक्स ऑफिशियो क्यों बोला जाता है और ऐसा क्यों है कि लोकसभा के अंदर जो स्पीकर होते हैं वो उसमें से इलेक्ट किए जाते हैं लेकिन जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट के लिए सीट फिक्स कर दी गई है, ये उसमें डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे न्यूज़ दी गई है कि भाई इन्होंने कहा राज्यसभा की जो सेक्रेटेरिएट है ना उसने रिपोर्ट निकाली। अब भाई ये सेक्रेटेरिएट क्या चीज़ होती है, सेक्रेटेरिएट अगर राज्यसभा का आता है वो आर्टिकल नंबर 98 के अंदर आता है। अब ये आपको पता होना चाहिए, कल को मेंस का क्वेश्चन आ गया कि क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार राज्यसभा के अंदर, दो एक तो ये वाली रिपोर्ट आई है कुछ समय पहले, जो हमारे चेयरमैन है राज्यसभा के श्री वेंकैया नायडू जी, उन्होंने भी बताया था कि राज्यसभा की जो सिटिंग आवर्स है ना उनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, राज्यसभा की जो फंक्शन है ना वो पहले से ज़्यादा डिटेरिएट हो चुकी है। और सेकेंड एक बहुत बड़ा न्यूज़ आई थी, जो श्री रंजन गोगोई जी जो हमारे एक्स CGI हैं उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी भी था। और सिंस रंजन गोगोई जी ने बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स दिए थे, जैसे अयोध्या वाला हो गया, NRC वगैरह टाइप के हो गए ये सब चीज़ें, और रफाल का भी उन्होंने दिया था, तो उस राज्यसभा के ऊपर क्वेश्चन बनना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो उसमें राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट की रिपोर्ट आई है, देखो 1978 से 2018 की रिपोर्ट आई है अभी, तो इस पर क्वेश्चन बनना बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। इसलिए राज्यसभा का सेक्रेटेरिएट क्या होता है, कौन से आर्टिकल में आता है, ये आप इंट्रोडक्शन में लिखते हो उसके मार्क्स मिलेंगे आपको।
सेक्रेटेरिएट जो होते हैं, इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं करंटली जो हैं, उनका नाम है देश दीपक वर्मा, जो करंटली सेक्रेटेरिएट जनरल है। इसमें मेजरली ये लोग जो होते हैं सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज को रखते हैं, जो कि करंटली हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन्हीं को रखा जाता है। और ये जो इसकी पोजिशन होती है सेक्रेटरी जनरल की सेक्रेटेरिएट के अंदर, ये बिल्कुल कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्वल होती है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस पे बन सकते हैं कि उसमें सेक्रेटरीट जनरल की पोजीशन किसके इक्वल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। कैबिनेट सेक्रेटरी के बिल्कुल इक्वल होती है पोजीशन, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। आगे हम बात करते हैं कि रिपोर्ट में है क्या, इन्होंने क्या बताया। तो उन्होंने बताया कि देखो भैया, एक तो रिपोर्ट के मेरे टाइम में इट वॉज एलिज दैट आर एस स्पेंड्स टू मच टाइम इन गवर्नमेंट बिजनेस इंस्टेड ऑफ डिबेटिंग इशूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। देखो यही चीज़, ये जो फर्स्ट लाइन ही है ना, ये हमारे जो वाइस प्रेजिडेंट जी है ना, उन्होंने कुछ टाइम पहले बोला था, उन्होंने खुद इसके ऊपर बात की थी कि हमारा जो राज्यसभा है इसके जो मोस्टली टाइम्स है ना, आवर्स है, ये दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के डिस्कशन से ज़्यादा गवर्नमेंट बिजनेस के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाता है। और इस जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर मेजरली हमारे तीन फंक्शंस के ऊपर रिपोर्ट बनाई गई है, जिसके ऊपर एनालाइज किया गया है। पहला होता है लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो हैं वो 28% टाइम अपना डिलीबरेट करने में और पास करने में लॉज को लगाते हैं। डिलीबरेट करने का मतलब होता है विचार विमर्श करना, डिस्कशन करना। वो डिलीबरेटिव फंक्शंस जो होते हैं वो 40% टाइम लेते हैं, जैसे कि टेकिंग अप इशूज़ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड जनरल डिस्कशन ऑन बजट 0 आवर, डिस्कशन ऑन वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्रीज, ये 40% टाइम ले लेता है। 0 आवर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। ओवरसाइट फंक्शन जो होता है वो रिमेनिंग 32% टाइम ले लेता है। ओवरसाइट फंक्शन क्या होता है? टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल बाय द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, कॉलिंग अटेंशन, मोशंस, हाफ एन आवर डिस्कशंस एट्सेट्रा। ये जो पार्ट होता है ये हमारे लेता है 32% टाइम। अब 0 आवर की अगर हम बात करें, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, देखो जो हमारे पार्लियामेंट के जो कुछ प्रोसीडिंग्स होते हैं ना, उसमें डिवाइस ऑफ प्रोसीडिंग्स के अंदर होता है एक क्वेश्चन आवर होता है, जो कि जनरली हमारा जो पार्लियामेंट में जो डे स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग में हम लोग क्वेश्चन आवर को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट आवर होता है किसी भी पार्लियामेंट की सिटिंग का, उसको हम क्वेश्चन आवर बोलते हैं। ये उसकी प्रोसीडिंग के अंदर मैंशन होता है। इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो मैं आपको डीप में समझाऊंगा जब मैं लक्ष्मीकांत को पूरा एक्सप्लेन करूंगा उस टाइम पर। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि जैसे फर्स्ट जो आवर होता है उसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं। उसमें एमपीज जो होते हैं क्वेश्चनिंग करते हैं, मिनिस्टर्स उनके आंसर करते हैं। फिर उसके लेके उसके बाद होता है 0 आवर, और 0 आवर के बाद होता है एजेंडा। एजेंडा यानी कि उस दिन की सिटिंग जिस भी काम के लिए बुलाई गई थी उसका मेन एजेंडा क्या है उसकी। तो एजेंडा से लेकर क्वेश्चन आवर के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं 0 आवर। ये जो 0 आवर है ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं किया गया है, ये एक इनफॉर्मल डिवाइस ऑफ प्रोसीडिंग्स बोला जाता है इसको। इसमें करते हैं क्या, इसमें वही करते हैं रेज, मैटर रेज कर लेते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस। कोई भी मैटर आप रेज कर सकते हो प्रायर नोटिस के, और ये क्वेश्चन आवर के इमीडिएटली बाद होता है। ऑल राइट, और ये स्टार्ट कब हुआ था, ये जो 0 आवर है हमारा 1962 से स्टार्ट हुआ था। ऑल राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे आज एक चीज़ हो रही थी यहाँ पर, कॉलिंग अटेंशन मोशंस। ये जो मोशंस होते हैं ना, ये बेसिकली क्या होता है कि आपको जो पार्लियामेंट के अंदर कोई भी कुछ भी करना होता था आपको मोशन पास करने होते हैं बहुत टाइप के, और कोई भी डिस्कशन जो होती है बिना मोशन के नहीं हो सकती है। और मोशन को पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी होता है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो हमारे जो वाइस चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वही हमारे उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, उनकी परमिशन के बाद होते हैं। मेजरली जो है इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं ये जो हमारे मोशंस होते हैं, जैसे कि एक सब्सटेंशियल मोशन होता है, सब्सटीट्यूट मोशन होता है, सब्सिडियरी मोशन होता है, बाकी क्लोजर मोशन हो गया, प्रिविलेज मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब डीप में लक्ष्मीकांत के अंदर पढ़ेंगे। एक जो इसमें वर्ड आया कॉलिंग अटेंशन मोशन, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो एमपीज वगैरह होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक नोटिस जो अर्जेंट होता है ना पब्लिक इंपॉर्टेंस का, उसके ऊपर कुछ बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, उसको बोलते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। इन सब चीज़ों के अंदर 32% टाइम निकल जाता है। टाइम लॉस ड्यू टू डिसरप्शन जो है 23.09%, डिसरप्शन के कारण इतना टाइम निकलता है। जो राज्यसभा की जो फंक्शनिंग्स है ना वो 2010 के बाद डिटेरियरेट होने लगी, यानी कि नीचे गिर गई है उसकी फंक्शनिंग जो है, पहले से ख़राब हुई है। और पहले जो था जो डिसरप्शन थी ना वो 300 आवर से एक्सीड नहीं करती थी। जो पहले जो डिसरप्शन थी, मैं इसने लिखा क्या हुआ है, विदाउट विद एक्चुअल फंक्शनिंग टाइम एक्सक्लूडिंग डिसरप्शन नेवर एक्सीडिंग 300 आवर्स पर ईयर आफ्टर 2010। फंक्शनिंग ऑफ राज्यसभा है सीवियरली डिटेरियरेटेड पोस्ट 2010। 2010 के बाद जो राज्यसभा की फंक्शनिंग है ना वो सीवियरली डिटेरियरेट हुई, यानी कि उसकी हालत पहले से ज़्यादा खराब हुई है। विद एक्चुअल फंक्शनिंग टाइम एक्सक्लूडिंग डिसरप्शन नेवर एक्सीडिंग 300 आवर्स पर ईयर आफ्टर 2010 के बाद डिसरप्शन को हटाने के बाद जो एक्चुअल फंक्शनिंग टाइम है ना वो 300 आवर्स से ऊपर गया ही नहीं है। अब राज्यसभा का रोल क्या होता है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मेंस का एक क्वेश्चन बन सकता है इससे पूरा का पूरा। इसमें तीन पार्ट इन्होंने बताए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि चेक हेस्टी डिफेक्टिव केयरलेस एंड इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन मेड बाय लोकसभा। लोकसभा के ऊपर जो भी कोई रैंडम चीज़ें होती हैं, आपको पता होगा कि सारे बिल्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के थ्रू पास होने होते हैं, तो लोकसभा का काम होता है कि ऐसी चीज़ों के ऊपर एक चेक रखना, एक चेक एंड बैलेंस रखना। ये फैसिलिटेट करता है गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द एमिनेंट प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स हु कांट फेस डायरेक्ट इलेक्शन। स्पेशली जो नॉमिनेशंस के अंदर आते हैं 12 लोग आते हैं, वो एक ऐसे फील्ड से होते हैं जो कि इलेक्शन के थ्रू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते हैं, तो उनको एक पोजीशन देने का काम राज्यसभा का होता है। मेंटेन करता है फेडरल इक्विलिब्रियम, फेडरल इक्विलिब्रियम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स अगेंस्ट द अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ सेंटर। ये इतनी सी न्यूज़ थोड़ी लेंथी न्यूज़ है, राज्यसभा इस बार पक्का आने वाला है मेंस के क्वेश्चन के अंदर, इसके बहुत मेजर मेजर पॉइंट्स उठ के आए हैं इस बार, तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। ऐसे वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ आप लोगों को आज। वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ की है एक अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट। तो जब वर्ल्ड बैंक की बात आ रही है तो हमको थोड़ा सा जान लेना चाहिए वर्ल्ड बैंक है क्या। वर्ल्ड बैंक जो था हमारा 1944 की जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद ही बन के आया था। और ब्रेटन वुड ट्विंस किसको बोलते हैं, ब्रेटन वुड ट्विंस बोलते हैं वर्ल्ड बैंक प्लस IMF को, इनको ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोला जाता है क्योंकि दोनों के दोनों उस कॉन्फ्रेंस के बाद बने थे। अब वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, Washington DC के अंदर। Washington DC जो है USA कैपिटल, DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया। वर्ल्ड बैंक जो है जनरली वो IBRD और IDA से मिलकर बना है, ये दो विंग्स होते हैं इसके, और इसका जो मेंबर कंट्रीज होते हैं वो 189 कंट्रीज़ होते हैं इसके। अब इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको जो जानने को मिलेगी, ये मैंने बहुत टाइम पहले नोटिस की थी और ये मैं अभी जनरली बताना स्टार्ट कर दिया मैंने वीडियोस में। वर्ल्ड बैंक के जो वो है ना प्रेसिडेंट, उनका नाम है डेविड मेलपास और ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ही हैं। अब ये देखो वर्ल्ड बैंक प्लस WHO प्लस IMF, इन तीन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की जो सेकंड पोजीशन है ना हेड की, किसी में डायरेक्टर जनरल है तो सेकंड पे जो पोजीशन है, किसी में प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट वाली सेकंड पोजीशन, इन तीनों के अंदर फीमेल्स की है। और फीमेल कौन से, इंडियन फीमेल्स। ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, दोबारा बताता हूँ, वर्ल्ड बैंक प्लस WHO प्लस IMF के अंदर सेकंड पोजीशन के ऊपर, जो सेकंड पोजीशन में जो टॉप हायरार्की के अंदर सेकंड पोजीशन है वो इंडियन फीमेल्स हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, ये कहीं पे आप मेंशन कर सकते हो, विमेन वाले कोई मेंस का क्वेश्चन है उसके अंदर। अब हम बात करते हैं कमोडिटी के बारे में, इन्होंने जो कमोडिटी की रिपोर्ट दी है इसमें नीचे में जाने का कुछ खास नहीं है, अगर आपको जो पढ़ना हो वो आप ये बोल्ड वाली जो चीज़ें हैं ना इनको ज़रूर पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ ऊपर से इसमें बताया हुआ गया कमोडिटी क्या होती है। कमोडिटी की जो व्यापार से रिलेटेड जो भी वस्तुएँ होती हैं उनको कमोडिटी बोलते हैं हम लोग। तो इन्होंने बोला है कि COVID-19 के कारण सिंस पैंडेमिक हुआ है, सब जो मोस्टली जगह पे लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बंद है, प्रोडक्शन हाउसेस बंद है, मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस बंद हैं, लेबर वगैरह अपने घरों के अंदर है, तो प्रोडक्शन खत्म, तो यानी कि सप्लाई चेन बहुत डिस्टर्ब्ड हो चुकी है। डिमांड हाई जरूर हो रही है लेकिन डिमांड भी कुछ चीज़ों की हाई है, कुछ चीज़ों की लो हो गई है। फूड टाइप के आइटम्स की जो डिमांड है वो बढ़ गई है एकदम से, लेकिन जैसे ऑयल हो गया, ऑयल की डिमांड एकदम नीचे आ गई है। आप लोगों ने सुना होगा WI बेंचमार्क जो था वो नेगेटिव में चला गया था। अब बेंचमार्क क्या होते हैं ऑयल के, अगर किसी को जानना हो तो मुझे कमेंट में बता देगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा नई वीडियो बना के। तो इन्होंने कहा कि ग्लोबली एग्रीकल्चर जो है ना वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगा। अब एग्रीकल्चर के अंदर इन्होंने बोला है कि जो स्टेपल फूड होता है, अच्छा स्टेपल फूड क्या होता है, स्टेपल फूड होता है जो हम लोग खाना जो रूटीनली खाते हैं, दाल चावल टाइप की जो चीज़ें होती हैं, गेहूं का आटा की रोटियां, ये स्टेपल फूड में आता है जो रेगुलरली रूटीनली कंज्यूम हो रहा होता है। उन्होंने कहा इन चीज़ों की सप्लाई वगैरह ना वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगी, लेकिन जैसे स्पेशली इन्होंने बोला था जो मोस्ट अफेक्ट होंगे वो होंगे एनर्जी और मेटल कमोडिटीज़, इसके बारे में उन्होंने बात की थी। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ रही है बॉर्डर चेक के कारण, अनवाइंडिंग सप्लाई चेंज हो रही हैं, कंज्यूमर्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है। अच्छा ये भी एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है, देखो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है कि इसके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जो हमारा NTPC है उन्होंने कुछ 10 हाइड्रोजन बसेस मंगवाई हैं, हाइड्रोजन फ्यूल की जो बसेस हैं उनकी डिमांड की है। तो और इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर जो कुछ कई रिपोर्ट्स में मेंशन किया गया है कि ह्यूमन बीइंग्स ने जिस तरीके से एनवायरनमेंट में क्लाइमेट में चेंज नोटिस किया लॉकडाउन के कारण, देर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट पीपल विल मूव टुवर्ड्स ग्रीनर पॉसिबिलिटी, ग्रीनर इकोनॉमी, कि लोग ऐसे डिमांड करेंगे फ्यूचर के अंदर। से आप गंगा यमुना का पानी देखोगे बहुत क्लीन हो चुका है, ठीक है, लोग अभी गंगा यमुना का पानी पी सकते हैं उठा के, मतलब ग्लास में भर के पी सकते, इतना क्लीन हो गया है। गंगा के अंदर डॉल्फिन दिखी गई है, फिशेज आ गई हैं हरिद्वार तक, और
दिल्ली का जो पॉल्यूशन 50% डाउन हो गया है, वो पहले वर्स्ट था, एक्सट्रीम सीवियर था, और वो बिल्कुल ही वेरी हेल्दी और गुड पे आ गया है। इन सब को नोटिस करके देर कुड बी पॉसिबिलिटी कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक ग्रीनर इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो NTPC ने कुछ डिमांड की हाइड्रोजन फ्यूल की। हाइड्रोजन फ्यूल में क्या होता है ना, 100% कंजम्पशन होता है, यानी कि कोई एमिशन नहीं होता, पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है, और उसकी एफिशिएंसी 2-3 टाइम्स ज़्यादा होती है नॉर्मल गैसोलीन से, नॉर्मल जो हमारा ऑयल होता है। बट ये इसकी प्रॉब्लम बस ये होती है कि ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल रिएक्शंस के थ्रू प्रोड्यूस होता है, और स्टोर करना थोड़ा सा टफ होता है, हाई प्रेशर टैंक्स में स्टोर होता है। ये एक थोड़ा इशू रहेगा हाइड्रोजन का, लेकिन और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेकिन हम लोग हाइड्रोजन के फ्यूल्स के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, इंडिया में ये चीज़ बहुत जल्दी आएगी। लेह और दिल्ली के लिए 10-10 बसेज की डिमांड की गई है। फिर देखते हैं, ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है, वीक क्रेडिट पुशेस कैश इन हैंड टू द हाईएस्ट लेवल सिंस 2007 and 2008। ये जो करेंसी है इन सर्कुलेशन, यानी कि जो आपके हाथ में जो डेली का जो कैश होता है ना ह्यूमन बींग्स के पास, हम लोग सिटीजन्स के पास, वो कह रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसकी अमाउंट बढ़ गई है। कि कितनी बढ़ी है, 25.6 लाख करोड़ 17 अप्रैल तक, ठीक है, और 14.5% हाई हो गया ये किससे, सेम टू सेम जो टाइम था लास्ट ईयर 17 अप्रैल 2019 से लेके 17 अप्रैल 2020 में, कैश जो इन हैंड कैश होता है, जो हाथ में जो कैश होता है, उसकी वो परसेंटेज बढ़ गई। लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है कि लोगों ने अपने पास रखना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सिंस लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और कुछ नहीं पता होता है कि किस टाइप के आपको फूड आइटम्स की सप्लाई कब बंद हो जाए छोटे मोटे, तो पीपल आर प्रेफरिंग टू कीप कैश इन देयर हैंड रदर देन कीपिंग इट इन टू देयर ATMs और अकाउंट्स। ये इस न्यूज़ के अंदर मैंशनड है, उन्होंने कहा है कि CIC यही चीज़ होती है, फिजिकली यूज होती है, कंडक्ट करती है ट्रांजेक्शन के लिए, वीक क्रेडिट कम डिपॉजिट क्रिएशन होता है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना जो बोल्ड में लिखे होते हैं, ये आप लोग नोट कर सकते हो, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये आप मेंस के आंसर में लिख सकते हो। फिर उन्होंने बताया है कि जो इसका इन्होंने रीज़न बताया है कि ऐसा क्यों हुआ है, और डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी ऐसा क्यों हुआ था। इन्होंने एक ग्राफ भी बड़ा अच्छा दिया है करेंसी सर्कुलेशन का, जो इंडिया में GDP के अकॉर्डिंग जो है 2014-15 से 16-17 में थोड़ा कम भी हुआ था, डीमोनेटाइजेशन का टाइम था वहाँ पर, क्योंकि 2018-19 में 11.2% फिर से इंक्रीज़ हो गया है, पिछले साल से देखो इंक्रीज़ हुआ है, ये 14% इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पर इतना। ये एक अच्छी न्यूज़ है कि हमारी CERX टू फिक्स प्रोविजनल टैरिफ हाइक टू मीट द ग्रीन एमिशन नॉर्म्स। ये न्यूज़ आप लोगों को थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, इसके ऊपर फर्दर रिपोर्ट्स आएंगी अभी, इसलिए हम लोग इसको बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ प्रीलिम्स से रिलेटेड है। अगर इसमें कुछ आता भी है नया, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी का जो रेगुलेटरी बोर्ड है उसने रिन्यूएबल एनर्जी में क्या कंट्रीब्यूशन किया है, वो मेन्स का क्वेश्चन बन सकता है। इन्होंने क्या किया है कि दे विल चार्ट आउट सम मैकेनिज्म्स जो डिटरमाइन करेंगे प्रोविजनल इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ फ्रॉम द प्लांट्स दैट इंस्टॉल एमिशन कंट्रोल इक्विपमेंट। CERC ने 2018 के अंदर एक एडवाइजरी दी थी कि जो इन्वेस्टमेंट्स आएगी इक्विपमेंट के लिए वो पास कर दी जाएगी कंज्यूमर टैरिफ के अंदर। जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनको बोला गया कि वो नए एनवायरमेंटल नॉर्म्स लेके आएँ जो कि सल्फर डाइऑक्साइड जैसे और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जो पर्टिकुलर्स होते हैं उनको कंट्रोल करें। इसके बारे में इतना ही जानो, ज़्यादा और ज़्यादा डिटेल अभी डिटेल में मत जाओ, क्योंकि ये न्यूज़ ना भी सर्कुलेट होकर कई बार आएगी। इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी को पढ़ो, उसमें सारा का सारा अच्छे से एक्सप्लेन है। प्लस में जब ये मंथली देंगे ना इसी न्यूज़ का, उसमें और डीप में एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक इसमें इतना ही जानना काफ़ी था। नीचे वाला जो पार्ट है ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ये जो है रिलायंस के पावर प्लांट किससे कनेक्टेड है, और उनको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी गई थी कि वो अपना SO2 वगैरह कंटेंट उसमें से रिमूव करें, और इन कंपनीज़ को बोला गया है कि भाई आप ग्रीनर एनर्जी की तरफ मूव करना स्टार्ट करो। ये थोड़ी सी अगेन एक अच्छी न्यूज़ है, बैंकिंग डिक्लेयर्ड एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस फॉर 6 मंथ्स। जो लेबर मिनिस्ट्री है हमारी, उन्होंने जो बैंक्स होते हैं इन सबको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंडर डिक्लेयर कर दिया है। 6 महीने के लिए आप डिक्लेयर कर सकते हो किसी भी सर्विस को। PSU होता क्या है, PSU के अंदर PSU इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग होता है जो 1947 में था, कि अब ये जो PSU बन गए ना बैंक्स, तो दे कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक। जैसे हेल्थ सेंटर के अंदर क्या आपने नोटिस किया था कि बहुत सारे लोगों को, डॉक्टर्स को PPE की डिमांड कर रहे हैं COVID-19 के लॉकडाउन के अंदर, उनको मिल नहीं रहा, तो दे आर गोइंग फॉर स्ट्राइक। बट PSU बनने के बाद अगर आप स्ट्राइक सॉरी PSU के PUS के अंदर आने के बाद आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, अगर आपको जाना पड़ेगा तो आपको प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बिना आप जा नहीं सकते, क्योंकि ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर आ गया, ये सिर्फ 6 मंथ्स तक रह सकता है। ओके, एज पर IDA अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में डिक्लेयर एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको आप PUS डिक्लेयर कर सकते हो। 6 मंथ्स की आप उनको नोटिफिकेशन दे सकते हो। इसमें जनरली किस टाइप की सर्विसेज आती हैं, टेलीफोन सर्विस हो गई और कोई भी सर्विस जो कि पावर लाइट और वाटर देती है पब्लिक को, सैनिटेशन देती है, वो सब भी इसमें इंक्लूड होती है।
अब हम चलते हैं जो माइनर माइनर न्यूज़ होती है। देखो ये वाली जो न्यूज़ होती है ना, मैं इन न्यूज़ के स्क्रीनशॉट सेव करता रहता हूँ अपने फ़ोन के अंदर हमेशा, क्योंकि ये ना प्रीलिम्स के टाइम पे आप जब रिवीजन करोगे ना, लास्ट मंथ्स के प्रीलिम्स के बिल्कुल जो लास्ट 2 मंथ्स की रिवीजन होती है, उसमें सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज करने होते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, ये मंथली कंपाइलेशन में सारे के सारे टॉपिक को ऐड नहीं करते हैं। तो सपोज़ करते हैं कर्मी बोट नाम का एक टॉपिक आ गया, ये अगर आपके पास स्क्रीनशॉट में होगा आपको ध्यान आएगा कि अच्छा कर्मी बोट करके कुछ रोबोट था COVID-19 के टाइम पे। नेक्स्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, लेकिन ये शायद मंथली कंपाइलेशन में नहीं देंगे, पर इसका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं इनकी स्क्रीनशॉट सेव कर लेता हूँ, तो आप लोग भी स्क्रीनशॉट सेव कर लीजिए कीजिए ओरिजिनल फाइल से, फ़ोन ये इस वीडियो में से मत करना, ओरिजिनल फाइल जो विजन की वेबसाइट पर उस पर से कर लेना। पहली छोटी सी न्यूज़ है, जो संजय कोठारी हैं उनको सेंट्रल विजिलेंस कमीशनर बना दिया गया है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, जिस स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उसमें ऑलरेडी मैंशन था। जैसे इलेक्शन कमीशन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। फिर हम बात करते हैं कि इसके अंदर होता क्या, एक CVC होता है, कमिश्नर होता है, चेयरपर्सन होता है, उसके नीचे 2 मेंबर्स होते हैं, और 2003 का ये एक्ट है। इसके अंदर जो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं CVC के, और होम मिनिस्टर जो होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स का। अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 तक इन केमिकल्स की जो ग्रोथ हुई ना, वो 7.43% इंक्रीज़ हो गई, कंजम्पशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। ये तो आपको पता ही होगा COVID-19 के टाइम में इतने सारे सैनिटाइजर्स जो बन रहे हैं उसके अंदर केमिकल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रोडक्शन हाउसेज ने उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दी है। 14.35% जो टोटल एक्सपोर्ट्स का केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स का, वो बनता है टॉप एक्सपोर्टिंग सेक्टर ऑफ द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसा हुआ कि कंट्री का जो टॉप एक्सपोर्टिंग सेक्टर है ना, उसमें ये पेट्रोकेमिकल्स और केमिकल्स आए हैं। तो ये सच में एक अच्छी न्यूज़ है कि what happened favorable to the economy in the time of COVID-19 lockdown, उसका एक पॉइंट ये बन सकता है मीन्स का। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ केमिकल्स होता है जिनको पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से निकालते हैं। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की डिमांड जरूर नीचे गई है, लेकिन पेट्रोकेमिकल्स की डिमांड इंक्रीज़ हो गई है। कर्मी बोट क्या है, ये एक रोबोट है, केरला के अंदर हॉस्पिटल्स में इसको यूज़ किया जा रहा है। वहीं की एक कंपनी है एसिमो रोबोटिक्स, उन्होंने बनाया है। किस लिए, ताकि पेशेंट्स को फूड मेडिसिन और ट्रैश कलेक्ट करने के लिए, पेशेंट्स के डिसइंफेक्शन वगैरह के लिए, वीडियो कॉल वगैरह के लिए, इन सब के लिए बनाया गया है। एम है इंट्रैक्शन कम से कम हो डॉक्टर का और कोविड पेशेंट का, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हों। नीचे हम बात करते हैं वाइटल वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लॉ के लिए। नासा ने ना एक इजी टू बिल्ड हाई प्रेशर एक लिटिल लो ग्रेड का एक वेंटिलेटर जो है वो डिज़ाइन किया है। वो किसके लिए, जिन लोगों के सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं ना, उनको इस वाले वेंटिलेटर को दे दो, और जो ओरिजिनल जो हैवी वेंटिलेटर्स होते हैं उनको जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनके लिए रख लिया जाए। इसलिए नासा ने एक डेवलप किया है ऐसा। नासा का नाम पहले नाका था, आपको ये पता होना चाहिए, नाका। इसकी हेडक्वार्टर वही वाशिंगटन DC, DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया। इसका बेनिफिट क्या है, ये बहुत जल्दी बनाया जा सकता है, इसको मेंटेन बहुत इजीली किया जा सकता है ट्रेडिशनल वेंटिलेटर के ज़्यादा, और मैनी फीचर करंटली अवेलेबल थ्रू एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन्स। अब बात करते हैं कार्बन नाइट्रेट क्वांटम डॉट्स की। ये क्या चीज़ है, ये जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर ना एक स्कूल इंस्टीट्यूट आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST। इन्होंने क्या किया कि एक लो कॉस्ट का मेटल फ्री नैनो मटेरियल बनाया है, जो कि ये जो हमारे ये जो होते हैं ना गारमेंट्स वगैरह उसके डिसइंफेक्शन के लिए, और अंडर विजिबल लाइट एक्सपोजर के अंदर इन्होंने एक ऐसा सब्सटेंस बनाया है। इसके अंदर याद करने की क्या चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें बोल्ड में लिखी है ना इनको नोट डाउन कर लो, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा ना उसमें ये ऑप्शंस बन के आएंगे सारे के सारे, ऐसे ही बनते हैं ऑप्शंस प्रीलिम्स के अंदर। इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर जो भी ये बोल्ड में लिखा है इसको अलग से लिख लेना, ये पक्का बन सकता है ऐसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन। इन्हीं चीज़ों का दिया रहता है कि क्या वो बायो कंपैटिबल है, क्या वो इल्यूमिनेट सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स जो है उसमें ग्लो करते हैं नहीं करते, करते हैं ऑब्वियसली बात है। GCNQD क्या होते हैं, लो कॉस्ट हैं या नहीं है, मेटल फ्री है या नहीं है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है रोहतांग पास की, बहुत लोगों ने नाम सुना ही होगा। ये जो है 13,000 फीट का है, ईस्टर्न पीर पांजल रेंज के ऊपर है, हिमाचल और जम्मू कश्मीर वाला जो ऊपर एरिया, आप लोग मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव बीन विजिटेड दैट प्लेस। एक इस न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि BRO ने इसको 3 वीक्स एडवांस में ओपन कर दिया, ताकि वहाँ के उस साइड की जो लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जा सके एसेंशियल सप्लाईज़।
कनेक्ट किसको करता है, लेह और मनाली को करता है, गेटवे है लाहौल और स्पीति वैली डिस्ट्रिक्ट के लिए हिमाचल प्रदेश। बसवा जयंती, बसवा जयंती जो थे 12th सेंचुरी के एक फिलोसफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, विश्व गुरु बसवरम और बसवना नाम है इनका। 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने जो थेम्स रिवर है लंदन की, वहाँ पर इनके एक इनके स्टैचू को इनॉग्रेट किया था। कन्नड़ पोइट्री इन्होंने लिखी थी जिसका नाम था वचना। ही वॉज द फाउंडर ऑफ लिंगायतम और लिंगायत सेक्ट। ये टॉपिक जो है उसमें था आज वाले इनसाइट वाले का पहला टॉपिक यही था। जनरली आज के जो टॉपिक्स हैं बहुत कॉमन हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप इनसाइट को भी पढ़ो, आज का विजन वाला ठीक था वो पढ़ सकते हो सिर्फ। एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ये तो आपको पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की है। 2018 में इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था। इस बार ये जुलाई में होने वाले थे लेकिन सिंस COVID-19 सिचुएशन इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो ये थी आज की न्यूज़ सारी की सारी, एंड थैंक यू वेरी मच।